बहुत सारे मिलेंगे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ मेरा हो जाए और दूसरा भाड़ में जाए। कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मैं समझ में नहीं आया। अपना बनता और भाड़ में जाए जनता, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते, वो भक्त नहीं है, वो भगवान की भक्त नहीं हो सकता है कभी। ये हो नहीं सकता। चाहे आप मोटे मोटे तुलसी कंठी लगाओ, माला पहन लो, यहाँ से वहां तक तिलक लगाओ, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है वो स्वार्थी है एक नंबर के। तो स्वार्थी बन जाओ, बहुत जरूरी है स्वार्थी बनना। और देखा जाए तो इस दुनिया में सब स्वार्थ की जिंदगी जी रहे, सब स्वार्थी है, सेल्फिश है, दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैंने एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकला था और गर्मी का टाइम था बहुत ज़्यादा, एक व्यक्ति बहुत प्यासा था, बहुत उसको प्यास लगी थी, और साइड में एक व्यक्ति बिसलरी का बोतल खरीदा है दुकान से लेके, और वो खोल रहा है और साइड में वो व्यक्ति उसको मांग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, मुझे दे दो, मुझे पीना है। बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। तो क्या किया वो बिजली बोतल किस लिए खरीदा था पता है? वो भी धूप से आया है ना, उसके मुंह में पसीना था, गर्मी लग रहा था, वो तो पीने वाला पानी लेकर वो मुँह धो रहा है, पूरा एक लीटर बोतल मुँह धोने में लगा दिया, और थोड़ा सा बचा था पानी वो भी पिया नहीं, उसने फेंक दिया। लेकिन वो साइड में जो व्यक्ति मांग रहा था उसको कि मेरा प्यास लगा है मुझे तो पानी दो, उसको एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया वो। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, इतना स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं। सेल्फिश हूं मैं, सेल्फिश होना अच्छी बात है। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, इतना स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं। तो इस दुनिया में संसार से क्या नाता रखना है? संसार से नाता तोड़ो और भगवान से अपना नाता जोड़ो, भक्तों की संग करो। भक्तों के संग करोगे तो आपको अगर बिस्लरी वाला पानी नहीं पिला पाए, लेकिन भगवान की चरणामृत जरूर पिलाएंगे एक बूंद। और खाना ना खिला पाए सही से रेस्टोरेंट में लेके जाके बढ़िया बढ़िया, लेकिन भगवान की महाप्रसाद आपको जरूर देंगे, भगवान की भोग जरूर खिला सकते हैं भक्त लोग आपको, और उस सबका मंगल होगा, कल्याण होगा।